हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट स्टडी चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूटन था उसके तीन लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बारी आती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा हो। तो जैसे कोई भी बुक है वो टेबल पर रखी है, अगर और जब वो टेबल पर होगी तब वो रेस्ट में होगी। अगर हमें उसे उठाना है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो हम मतलब हम उसे मोशन में ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो बुक है वो अपनी पोजीशन से तब तक नहीं हिल रही है जब तक मैं उसे उठा के कहीं और ना रख दूँ, मतलब उसकी एक्सटर्नल फोर्स उसकी पोजीशन में चेंज ना कर दूँ, तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन साबित हो जाता है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? ये जो इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी की यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे कि जो बॉडी है वो अपने अपोज करती है उसके चेंज में। चेंज किसका? उसकी स्टेट का, जो कि रेस्ट में हो सकता है और मोशन में हो सकता है। जो इनर्शिया होता है उसके वैसे तो दो टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो होता है जब कोई बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मतलब वो अपोज करेगी मोशन में आने का। और इनर्शिया ऑफ मोशन वो होता है जिसमें कोई बॉडी मोशन में रहने की कोशिश कर रही हो और वो अपोज करती है रेस्ट में आने का। तो एक और टाइप होता है वैसे इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, पर इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो दोस्तों यहीं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है। अब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है कि जो बदलाव होता है मोमेंटम की रेट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के जो कि किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। और जो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। तो इसकी इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें F=ma वाला फॉर्मूला मिला है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका डेरिवेशन आता है F=ma का, वो देखते हैं। लेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी P1 एंड P2, क्योंकि अब इसमें चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो इसमें ऑब्वियसली दो मोमेंटम्स होंगी, P1 और P2, जहां जो P1 होगी वो mu के इक्वल होगी और जो P2 होगी वो mv के इक्वल होगी। और P1 इनिशियल मोमेंटम होगी और P2 जो होगी वो फाइनल मोमेंटम होगी। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu फाइनल मोमेंटम था mv और इनिशियल मोमेंटम था mu। तो चेंज इन मोमेंटम तो ये हो गया, m कॉमन हो गया। मास किसी बॉडी का नहीं बदलेगा क्योंकि मास जो होगा वो कांस्टेंट रहता है। तो m जो होगा वो कॉमन आ जाएगा और v माइनस m इंटू वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमारे ये आ गया m इंटू वी माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब वो कितने टाइम पर यूनिट ऑफ टाइम के संग हो रहा है, मतलब m चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे ये आ गया। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू ma। तो हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू ma। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से
जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो इसके हमने इक्वल रख दिया ऐसे। तो जो फोर्स, अगर ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारा यहाँ कांस्टेंट आ जाता है। तो जो एफ तो यहाँ हो गया हमारा एफ इक्वल्स टू के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ की जो होगा वो कांस्टेंट होगा और के की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल्स टू एम ए। तो या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है। अब हमने बार बार इसमें एक टर्म यूज़ कर रहे थे मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है? जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसका मोमेंटम होता है। तो इसका सिंबल होता है पी, और इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्टू एम वी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट निकालना तो आती होगी आपको, मास की केजी इनटू वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ इनटू में है तो यहाँ इनटू लग जाएगा। और जो मोमेंटम होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इस पर मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हमारे एग्जांपल नहीं लिख रहे थे, एग्जांपल देख ले रहे हैं। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट बॉल कैच करता है तो वो अपनी हैंड को पीछे कर लेता है ताकि वो जो मोमेंटम होता है उस बॉल का उसको डिक्रीज कर सके, ताकि उसकी इंजरी के चांसेस कम हो सके। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल को कैच करने में काम आता है। और मैन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, जब कोई आदमी ऊपर से गिरता है तो वो सडन अचानक से मोमेंटम बहुत कम टाइम में उसका ज़्यादा मोमेंटम हो जाता है, तो वहाँ भी वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, क्योंकि जो उसका मोमेंटम होता है वो बहुत कम टाइम में वो ज़्यादा मोमेंटम एक्सपीरियंस कर लेता है, इसलिए उसे चोट ज़्यादा लग जाती है। ऐसी क्रिकेट बॉलर ने इसलिए वो क्रिकेट बॉल हाथ पीछे कर लेता है कैच करते टाइम, ताकि वो मोमेंटम जो है उसको डिक्रीज कर सके और उसके इंजरी के चांसेस कम हो सके। इसी तरह से हमारे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ ख़त्म होता है। अब आती है बात थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं कैसे होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये बहुत पॉपुलर है, सब लोग पूछते हैं इसे, पहले ये पूछेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के पीछे एक उसका इक्वल रिएक्शन होता है, पर जो रिएक्शन होगा वो उसके अपोजिट होगा, और जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो अलग, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे। तो जो, क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे, तो एक्शन जो होगा वो रिएक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो वॉकिंग में यूज़ होता है। हम चलते हैं, किस वजह से हम चल रहे हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश, पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो हम एक्शन लगा रहे हैं पीछे की तरफ, और जो ग्राउंड होता है एज अ रिज़ल्ट हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई होता है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये वॉकिंग में यूज़ होता है। रिकॉयल ऑफ गन, जब हम गन चलाते हैं तो जो उसकी बुलेट होती है वो आगे की तरफ जाती है, और जो गन होती है वो पीछे की तरफ चले जाती है। यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन अप्लाई होता है। और स्विमिंग करने में भी जो स्विमर होता है वो पानी को पीछे की तरफ, जो उसका एक्शन होता है वो पानी को पीछे की तरफ करने में होता है, और जो
उसका रिएक्शन होता है, पानी आगे धकेलता है उसे स्विमर को। और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जो चिड़िया हवा में उड़ती है वो भी इसी की वजह से ही उड़ती है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ क्योंकि इसमें एक्शन भी होता है और साथ ही साथ रिएक्शन भी होता है। तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। It states that if the external force acting on a system of a body is zero, then the net momentum of system remains conserved. इसके हिसाब से, conservation of momentum के हिसाब से, अगर कोई किसी body पे external force apply हो रहा है और external force जो होगा वो zero के equal होगा, तो जो net momentum होगा body का वो conserve रहेगा। conserve रहेगा मतलब बचे रहेगा। तो इसकी एक अच्छी खासी derivation है, वो हमें करनी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है, इसकी डेरिवेशन प्रूफ करने की तो आती है। चलिए देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए विद मास m1 एंड ऑब्जेक्ट टू विद मास m2। तो जो ऑब्जेक्ट m, ऑब्जेक्ट ए होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u1, और जो ऑब्जेक्ट बी होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u2। ये इनके, इन दोनों के मिलने से पहले का सीन है। और जब, जिस समय ये मिल रहे होंगे उस समय दो चीज़ हो रही होंगी, जो फोर्स जो ए होगा वो बी की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जो इसका एक्शन होगा, और जो बी होगा वो ए की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जो इसका रिएक्शन होगा। तो ये जो सीन है वो कोलिजन के समय का है, मिलने के समय का है इन दोनों के। अब तीसरा टाइम आता है आफ्टर कोलिजन। तो ऑब्जेक्ट ए मास होगा m1, ऑब्जेक्ट बी मास होगा m2। तो इसकी जो, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, और इसकी फाइनल, ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो ये आफ्टर कोलिजन के समय था, कोलिजन के बाद, मिलने के बाद। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। तो जो ये एक्शन था f, f का फोर्स a का b की तरफ, a का b की तरफ, तो ये एक्शन था, और बी का ए की तरफ रिएक्शन था। तो रिएक्शन जो होगा वो माइनस में होता है हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो एफ फोर्स का ए का, ए का फोर्स बी की तरफ इक्वल्स टू, अब माइनस इंडिकेट दैट द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड एफ फोर्स बी का ए की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। तो फर्स्ट बॉडी का निकाल रहे हैं अभी हम, फर्स्ट बॉडी ऑब्जेक्ट a का निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट a का निकाल रहे हैं हम फोर्स। तो m1 into v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वल्स टू, और दूसरी बॉडी फोर्स b का एक ही तरफ, दूसरी बॉडी b, बॉडी b माइनस, माइनस का साइन, मास दूसरी बॉडी का और इनटू वेलोसिटी दूसरी बॉडी की माइनस इन फाइनल वेलोसिटी दूसरी बॉडी की, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी दूसरी बॉडी की अपॉन t। क्योंकि यहाँ टी इक्वल साइड के लेफ्ट साइड में टी न्यूमरेट डिनोमिनेटर है, और इधर भी डिनोमिनेटर है राइट साइड पे। तो जब ये हम इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये
इसका न्यूमिनेटर बन जाएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल, तो एम, तो जब हमने अब टी से टी तो कैंसिल हो गया है, तो अब हम जो ब्रैकेट है वो उसे खोल सकते हैं, तो एम वन इंटू वी वन माइनस एम वन इंटू यू वन इक्वल्स टू माइनस का साइन एम माइनस एम टू इंटू वी टू माइनस माइनस प्लस प्लस एम टू इंटू यू टू। तो हमारा आ गया जो एम वन था हमारा एम वन यू वन, उसको यहाँ की तरफ भेज देंगे और एम टू वी टू को हम इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये जो होगा हमारे पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इधर की साइड आएगा तो पॉजिटिव में आ गया, और ये इधर की साइड आ गया तो ये भी पॉजिटिव में आ गया, एम वन यू वन इक्व प्लस एम टू यू टू। तो इससे हमें इससे हम कह सकते हैं कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल है टोटल इनिशियल मोमेंटम के, मतलब जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वो इक्वल है कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, और अगर आपको